आजो बेटा, आजो अंदर आजो, आजो आजो छोटे आजो, आजा मेरे। कितनी वैरायटी है यहाँ पर। आपकी गाड़ी लॉक करने गई है? जी पापा, वो अभी आ रही है। चले शाबाश बेटा, देखें कौन सी आपको साइकिल चाहिए, लेकिन बजट के अंदर रहते हुए। हाँ जी पापा, ठीक है। जमजम बेटा, मैं इस बार आपको साइकिल नहीं लेके दे रहा, कोई टॉयज लेना है नॉर्मल सा तो आप ले सकती जी हो। पापा ओके, ठीक है। मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं ही नजर आती हूँ। अपी ये देखो कितनी प्यारी साइकिल है। हाँ ठीक है। अपी इसका हैंडल, इसका कलर देखो। हाँ बहुत खूबसूरत। अपी और भाई तो साइकिल लेंगे। हाँ बजट में हूँ। और मैं बस खिलौना। इतना खुश हूँ मैं, क्या बताऊँ। मैं कोई छोटी बेबी हूँ। मजा आएगा ना, बहुत साइकिलें चलाएंगे। अपी जरा उधर तो देखो, इधर उधर तर तो हमने देखा ही नहीं कि इस सेक्शन में कितनी ज्यादा वैरायटी है। अपी स्पोर्ट्स साइकिल मेरी फेवरेट, मैं तो ये देखो सच्ची में कितनी ज्यादा साइकिलें हैं। जमजम आप भी हमारे साथ साइकिलें देखो। मुझे नहीं देखनी आप लोगों की साइकिल। अपी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या है, उधर आओ, इधर आओ। अपी बात सुनो। ओहो क्या हो गया? क्यों ना हम ऐसा प्लान करें कि हमारे साथ साथ जमजम को भी साइकिल मिल जाए। ऐसा मुमकिन हो सकता है। अपी जमजम को बुला के लाते हैं। आ जाओ जमजम, इधर आओ हमारे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? जमजम आप परेशान ना हो, हम आपकी साइकिल का कुछ करते हैं। पापा नहीं मानेंगे भाई। अंकल क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी छोटी बहन को भी साइकिल ले दें, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड बजट है। क्यों नहीं बेटा, आप तीनों भी साइकिल ले सकते हो। अंकल कह रहे हैं पॉसिबल है। वाकई? ये हमारे पास कम कीमत की साइकिल भी है। पर ये कैसे होगा? जैसे ये है देखें। कौन हाँ, सी वाली? हाँ बेटा ये नॉर्मल है, ये भी अच्छी साइकिल है, और वो जो उसके साथ है वो भी। अगर बेटा आपको गुड़िया की साइकिल चाहिए तो बेटा आपको स्पोर्ट साइकिल अपनी छोड़नी पड़ेगी जी। अच्छा। फिर इसी बजट में आप तीनों को साइकिलें मिल जाएंगी। ओके आर यू रेडी? ओके आई एम रेडी। ये एक नॉर्मल साइकिल है और इसकी प्राइस जी, जी। कम है, ये ले सकते हो आप इस बजट में। ये जो आपकी बहन की साइकिल है, इन दोनों की कीमत एक ही है। ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक है। और इस तरह आपकी आपकी और आपकी साइकिलें इसी बजट में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, पसंद है? आपका मसला हल हो गया। ये जमजम ये लो आपकी साइकिल, आपको पसंद है ना? बहुत पसंद आई है। मेरी प्यारी बहन, मेरी गुड़िया। थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे भाई हो। जरा चला के तो दिखाओ ऐसे। कहाँ गुम हो जाते हो तुम तीनों, इतनी देर लगा दी। मुसापी ये क्या मैं देख रहा हूँ, हैं? मेरी बात का तुम तीनों पे कोई असर नहीं हुआ। पापा फिर तुम दोनों ने वही किया जिससे मैंने मना किया आपको, क्यों फिर इसको साइकिल ले दी? पापा क्या कहा? मुझ पे बहुत सारे खर्चे हैं, घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, आप लोगों की फीस देनी है। आप तो समझते नहीं हो किसी बात को। बहुत मुश्किल से बजट को मैनेज किया था मैंने ये, ताकि आप दोनों को मैं साइकिल लेके दे सकूं, और ये तो इस बजट में शामिल नहीं था। आपने पसंद तो कर ली, दुकान वाले को कहां से पैसे दूंगा मैं? मैंने ये सोचा था कि इस बार इसको साइकिल नहीं लेके दूंगा, जब नेक्स्ट सैलरी आएगी तो इसको ले दूंगा। अभी ये कोई खिलौना ले सकती थी, लेकिन आप लोग तो अपनी मर्जी करते हो। ओहो आजकल के बच्चों को माँ बाप की प्रॉब्लम का क्यों नहीं एहसास होता? ओहो कैसे समझाऊं मैं इनको, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। पापा हम क्यों नहीं समझते आपकी प्रॉब्लम्स को, हमें सब पता है, हमने उसी बजट के अंदर सारी साइकिलें ली हैं। क्यों अपी? हाँ ना पापा, आपको पता है मूसा ने अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स की साइकिल छोड़ के ऐसी नॉर्मल साइकिल ली है सिर्फ जमजम की वजह से।
मेरे पास कोई साइकिल नहीं था ना। पापा हम बच्चे जरूर हैं, लेकिन समझते सब कुछ हैं। सॉरी बेटा, मैं समझ नहीं सका। आजा मेरी गुड़िया, आजा। थैंक यू बेटा, मेरा बेटा। ओ मेरी गुड़िया। पापा। यार जाने दो, मुझे ना बताओ कि ये हो गया था या वो हो गया था। मुझसे बिना पूछे मेरी गाड़ी को लेकर ना जाया करो यार। भाई आपको क्या हो गया है? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। छोड़ इस बात को कि मैं पहले ऐसा था या वैसा था। आज से पहले भाई कभी आपने ये बात की नहीं, लेकिन आज कर दी ना। मैं कितना परेशान हुआ। नहीं नहीं दो मुझे, नहीं मेरा खिलौना है, मैं इसे खेलूं। तू मेरा खिलौना से खेलो, ये मेरा खिलौना है। तू दो ना, दो मुझे दो, मारूंगी मैं आपको, मारूंगी मैं आपको। मुझे अपना खिलौना चाहिए। ये गुड़िया मेरी है, तुम अपने कमरे में जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। भाई आप छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्यों? पापा चाचू किस बात पे बहस कर रहे हैं? भाई आपने खुद ही तो कहा था कि जब आपको जरूरत पड़े किसी चीज की तो इस्तेमाल कर लिया करो। आज मैंने वही किया, क्या गलत किया? लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि जो आया तुम्हारे दिल में करो। भाई आज आप किस लहजे में मेरे से बात कर रहे हैं? भाई बाप के दुनिया से चले जाने के बाद मैंने आपको बाप की तरह ही रिस्पेक्ट, अच्छी रिस्पेक्ट दी है। जो दिल चाहा उठाया और चल दिए। पूछना तो मुझे बनता था ना, जब ऐसे कभी इधर निकल गए कभी उधर निकल गए। मुझे भी बहुत परेशानी होती है, और जब मुझे जरूरत पड़ती है आता हूँ तो देखता हूँ तुम लेके चले गए हो मेरी गाड़ी। जब तुम्हारा दिल चाहे अपनी मर्जी करते हो, और तुम पूछना गवारा ही नहीं करते। भाई आपने खुद ही तो इजाजत दी थी। क्या इजाजत दी थी? कि तुम्हें जब भी जरूरत हो अपने बड़े भाई से मांग। पूछना तो बनता था ना, और मुझसे मांगते तो ना भाई, अपनी गाड़ी दे दो, फ्री होती तो मैं दे देता। आप ही ने तो कहा था इस घर में सब कुछ आपका भी है। बाबा के चले जाने के बाद आपने खुद ही कहा था कि मेरा सब कुछ आपका है। पापा क्या हुआ? आप खामोश रहो, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो दरमियान में नहीं बात करते। जाओ यहाँ से। हाँ जी। क्या हो गया है, क्यों लड़ रहे हैं आप? आराम से। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप अपना काम करें, खाना पकाएं बस। दो मुझे दो, ये मेरा खिलौना, मैंने दूंगी। मरवा मांग रही है तो उसे खेलने के लिए दो। नहीं दूंगी। मरवा की अपनी बहन है। ये मेरा खिलौना, मैं नहीं दूंगी इसको। उसके साथ खिलौने शेयर करो जमजम। जब हम सब एक ही घर में रहते हैं तो हमें चीजें शेयर भी करनी चाहिए। मैंने शेयर करती सबसे। पापा ने दी अपनी गाड़ी, चाचू को तो नहीं दी। लेकिन जब आप मरवा से शेयर नहीं करोगी तो वो हमेशा के लिए आपसे नाराज हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें आपस में लड़ना नहीं क्यों? चाहिए, और अपनों को नाराज कभी नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हो भाई? जमजम अपनी बहन को नाराज ना करना। अच्छा भाई, तो ये नाराज हो जाएगी तो मैं इसे दोस्ती कर लेती हूँ। सॉरी बाबा, आई लव यू। सॉरी जमजम। शाबाश, ऐसे मिलके रहते हैं। सॉरी लुकमान, मैं कुछ ज्यादा बोल गया यार। मैं तुम्हारा बड़ा भाई बाबा की जगह पे हूँ, और ये गाड़ी जब तुम्हारा दिल चाहे तुम लेके जा सकते हो यार। शुक्रिया भाई, इस्तेमाल भी पूछ लेना चाहिए था भाई। मेरा भाई मूसा बेटा, इधर आओ मेरे पास। जी पापा। मेरा प्यारा बेटा, ज्यादा तो नहीं डांट दिया था मैंने? हैं मेरा सोना, मेरा राजा। जिंदगी और कुछ ही नहीं, भाई आप कहानी है। एक लफ्ज भी निकाला भाई तो तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। भाई भाई तुमने क्या समझा था मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? भाई झूठे वादे करते हो। पिछले तीन महीने से तुझे कह रहा हूँ पैसे दे दो, नहीं दे रहा पैसे। भाई दे नहीं, भाई दूंगा ना भाई, थोड़ा सा वक्त और दे दे
बस 3 हफ्ते में मैं तुझे पैसे तेरे लौटा दूंगा, लुटा दूंगा। मुझे नहीं पता, मुझे अभी चाहिए पैसे। मेरे भाई मैं अभी कैसे दे सकता हूँ समझ में? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो तुझे पता है अंजाम क्या होगा। ओ भाई मूसा, मूसा रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो मूसा? ओ भाई रुको, ना मारो एक दूसरे को। भाई मैं इनको कह रहा हूँ मैं दे देता हूँ, मैं दे दूंगा, थोड़ा वक्त दो। क्यों उस गरीब को मार रहे हो? इसने मेरे पैसे देने हैं। हाँ भाई मैं कर्ज दूंगा, मेरा थोड़ा यकीन तो करो यार। कि मैं दे दूंगा तो आप उन पर यकीन करें? भाई कोरोना की वजह से मेरा पूरा कारोबार बंद हो गया, मैंने इनसे कहा मुझे 2-3 हफ्ते का टाइम दे दे, मैं तेरे सारे पैसे दे दूंगा, पर ये मुझे मारने को तुला हुआ है। और कितना वक्त दूं इसको? रमजान सर पे है, मैं क्या करूं? तुम्हें नहीं पता रमजान में कितना खर्चा होता है? इसका अंदाजा है तुम्हें या इसे? मुझे अंदाजा है भाई, आप रमजान उल मुबारक की बात कर रहे हैं? जी हाँ। जो महीना आपको अमन और बर्दाश्त सिखाता है, जो सब्र का पैगाम देता है, जो हम सबको भाईचारा सिखाता है, और उसी महीने के लिए लड़कर झगड़कर बदअमनी फैलाकर पैसे मांग रहे हैं इनसे, रमजान ये तो नहीं सिखाता। तो क्या करूं, कहां जाऊं मैं? तो मैं कैसे गुजारा करूं? बड़ी मुश्किल से पकड़ा तो मैंने इसको। भाई मेरी बात भी नहीं सुन रहे, मैं आपसे छुप रहा था। भाई आप सब्र करें, वो आपको पैसे जरूर देंगे। हाँ दूंगा, क्योंकि हम सब आपस में भाई भाई हैं। अगर आप अमीर हैं तो गरीब का एहसास करें। किस्मत ने आपको ज्यादा इसीलिए दिया है ताकि आप मुश्किल में लोगों का साथ दें। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने भाई का दर्द समझें। बस थोड़ा सा वक्त दे दे इस गरीब को, 2-3 हफ्ते में मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। अच्छी बात है, मैं फिर 2-3 हफ्ते सबर कर लेता हूँ, सिर्फ बेटा तुम्हारी खातिर। थैंक यू वेरी मच। मामा मुझे पता ही नहीं चला मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। लाशारी कहा लाहू, लाशारी कहा लाहू, मालिक मुल्क तू।